Did you know French kiss term तब आया जब Britishers visited the France during World War I and they saw how passionately the French kissed. I know, right? Hello, my name is Nimisha and today I will share with you the story behind kissing, from how it existed to what it is perceived now. Let's get into it. You know, एक किस इंटिमेसी और अफेक्शन का एक यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है. इट टिपिकली इन्वॉल्व्स प्रेसिंग वन्स लिप्स अगेंस्ट अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. ऑल्दो ये फिजिकल एक्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, इसका कल्चरल और इमोशनल सिग्निफिकेंस कैन वैरी वाइडली. ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म है और लव, अफेक्शन, पैशन और इवन ग्रीटिंग्स को कन्वे करता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल नॉर्म्स. बियॉन्ड द लिप्स किसेस वेरियस बॉडी पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और ईच टाइप के किस का एक यूनिक मीनिंग होता है. चीक पर एक पेक के स्वीट इनोसेंस से लेकर फ्रेंच किस के पैशन तक, द एक्ट ऑफ किसिंग सिग्निफाइज डिफरेंट रोल्स इन ह्यूमन इंटरेक्शन. किसिंग का पास्ट आज भी एक मिस्ट्री है बिकॉज इट प्रीडेट्स रिकॉर्डेड हिस्ट्री. मोरओवर कल्चरल प्रैक्टिसेस भी ओवर टाइम इवॉल्व हुए हैं. कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि किसिंग इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी, जहां वो 1500 BCE के अराउंड संस्कृत टेक्स्ट में डिपिक्टेड है. हाउएवर किसिंग का एविडेंस और भी काफी सारे एंशियंट कल्चर्स में मिला है, इंक्लूडिंग द इजिप्शियंस एंड द ग्रीक्स. रोमन ने तो किसेस को एक आर्ट फॉर्म तक एलिवेट कर दिया विद वेरियस टाइप ऑफ किसेस सिंबलाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लव एंड सोशल स्टेटस. थ्रू आउट हिस्ट्री किसिंग को सेलिब्रेट भी करा गया है और टैबू भी माना गया है. सर्टेन सोसाइटीज इसको एक सीक्रेट एक्ट की तरह देखती है, व्हाइल अदर्स थॉट ये इनअप्रोप्रिएट और स्कैंडलस है. बट द एक्ट ऑफ किसिंग इज नॉट ओनली अ कल्चरल कंस्ट्रक्ट, इट हैज बायोलॉजिकल एंड सोशल अंडरपिनिंग्स. एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट तो ये तक भी कहते हैं कि किसिंग इज अ वे टू असेस पोटेंशियल मेट्स. सलाइवा एक्सचेंज करने से और फेरोमोन्स डिटेक्ट करने से इंडिविजुअल सबकॉन्शियसली अपने पार्टनर्स की जेनेटिक कंपैटिबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं. एडिशनली किसिंग से ब्रेन में केमिकल्स का एक कॉकटेल भी रिलीज होता है, इंक्लूडिंग ऑक्सीटोसिन एंड डोपामीन, और ये केमिकल्स फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग और प्लेजर में कंट्रीब्यूट करते हैं. बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बियॉन्ड सोशल इन्फ्लुएंसेस भी किस की फ्रीक्वेंसी और मीनिंग में को शेप देने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. इससे इंडिविजुअल्स के बीच कनेक्शंस बनते हैं और वाइड रेंज ऑफ इमोशंस भी एक्सप्रेस होते हैं. क्या आपको किसिंग का कोई सरप्राइजिंग रिचुअल पता है? व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन किसिंग? कमेंट डाउन योर थॉट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.